असांजे हिन मुल्क में ज़माने मां ज़माने खारंदे राति ऐं ॾींहुं गुज़रिया। किथे मुश्क अंतर जी ख़ुशबू तन मन खे वासियो, किथे चाहत जूं चिणगूं तन मन में मुहबत जा मच मचाईंदियूं रहियूं। किथे कुर्ब ऐं कशाला हलंदा रहिया, किथे ईदन जे नवनि वेसन बदन ढकिया, त किन वरी चटी ॾिन अॻिड़ियुनि में ईद कई। किथे पुलाउ ऐं पीस उभर बणिजी उछलबा रहिया, त किथे वरी ॾुखीअ ते राज़ी थी धणी ताला जो शुक्र अदा कंदड़ ईमान अखियुनि में झिरकंदा रहिया ऐं मुख़्तलिफ़ मंज़रनि खे अखियूं ते उतींदे वक़्तु गुज़रंदो रहियो। समय सचा रस खे सियाणा दिलेर थोधा माण्हू पैदा थिया ऐं वक़्तु अचण ते उहे सभु वीचारा पंहिंजो वारो वॼाए क़ब्रस्तान क़ब्रनि जा महिमान थिया। पर हिकु डिघे अरसे ताईं मुल्क में झालत हलंदी रही, पर साईं वटि ॾिसण वारो को बि न हुयो। पोइ जेकॾहिं को पढ़ियलु माण्हू हुजे बि त बि अलाए त कहिड़े गफ़लत या मफ़ाद परस्ती जे करे सच खे लिकाईंदा रहिया। तंहिंखां पोइ अटिकल 1886 ईस्वीअ धारे पछम जे लुड़ीअ ॻोठ में हिकु ॿारु जनम वरितो, जंहिं अॻिते हली तालीम हासिल करे पंहिंजी ज़िंदगी खे रब जी अमानत सम्झी पंहिंजी ज़िंदगी जे जीअण जो हक़ अदा कयो ऐं माण्हुनि खे सिरात मुस्तक़ीम वारी वहादत वारी वाट ॾेखारी। जी हा, उहा हस्ती कंहिं तारफ़ जी मोहताज न आहे, उहो तौहीद जो अलम बरदार सिपाही चमकंदड़ सितारो ऐं बानी हिज़बुल्लाह हज़रत मौलाना हाजी अब्दुर्रहीम पछमी रहमतुल्लाह अलैह। पाण आलमियत जी सनद हासिल करण खां पोइ ॾींहुं राति महिनत करे वाज़ ऐं नसीहत ऐं दीनी कचारियूं कंदे कंदे आख़िरकार हिकु डिघे अरसे खां जाहिलियत जी ऊंदाहि में ॿुॾल कश्तीअ खे तौहीद जे कप ते आंदो। पाण रहमतुल्लाह अलैह जी कोशिश ऐं अल्लाह जी मदद सां मुल्क में तौहीद अची वई। तंहिंखां पोइ हिन मुल्क खे तालीम जी ज़रूरत हुई। वरी बि असां ते अल्लाह साईं ॿियो अहसान कयो ऐं हिकु ॿी शख़्सियत बि ॾिनी, जंहिं तालीम हासिलु करण लाइ स्कूल जी दुनिया वसाए इल्मु हासिलु करे इंसानियत जे बुलंद दर्जे ताईं पुॼण लाइ कोशिश महिनत ऐं जबल जी मज़बूत हौसलो रखी तालीम जो सफ़र पूरो करे असांजे मुल्क खे तालीम जी रोशनीअ सां मुनवर कयो। पाण पंहिंजे ॻोठ में हिकु स्कूल ऐं मदरसो खोलियो, तंहिंखां पोइ सवें न बल्कि हज़ारें तालीम हासिलु कंदड़ शागिर्दनि जी हयाती इल्म जे ज़ेवर सां रोशन कई। जीअं उहा शख़्सियत इल्मी आफ़्ताब मौलवी मीर ख़ान नदवी साहिबु हुया। पाण मुतुआ बिरादरी सां तालुक़ु रखंदड़ गुरे वारे ॻोठ जा राकू हुया। पाण प्राइमरी तालीम हासिल करण खां पोइ रियासत हरियाणा जे शकरावा में आलमियत हासिलु कई, तंहिंखां पोइ रियासत उत्तर प्रदेश जे लखनऊ शहर में क़ाइमु नदवतुल उलूम जा 1971 में उर्दू एम ए कयो। इहो उहो दौरो जंहिंमें आला तालीम जो शायदि कंहिं सोचियो बि न हुजे। अहिड़े वक़्त में पाण आला तालीम हासिलु कई। पाण अलीगढ़ी कुर्तो पाइजामो ऐं सदरी ऐं मथे ते मौलवी वारी टोपी पाए लखनवी लिबास में रहंदा हुआ। पाण बनी पछ में पूरे कच्छ में मौलवी मीर ख़ान या मौलवी साहिब जे नाले सां ॼाता सुञाता वेंदा हुया। मौलवी साहिब जो ख़ानदान ऐं संदसि बिरादरी जा के माण्हू उन ज़माने में बि तालीम सां लाॻापियल हुया। जेतोणीकि उहा तालीम सिर्फ़ु इस्लामी तालीम ताईं महदूद हुई। संदसि बिरादरी में हाफ़िज़ मिसरी रहमतुल्लाह अलैह ऐं हाफ़िज़ मोहम्मद क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह उन दौर जा सुधरियल माण्हू हुया। उन्हनि में बि हाफ़िज़ मोहम्मद क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह उहो इनकलाबी शख़्स हुयो, जंहिं अहिड़ा शागिर्द तयारु कया जंहिंजी यादि असांजी दिलनि ते सदा अमर रहंदी। उन्हनि शागिर्दनि में जेके ख़ासि शागिर्द हुआ, उन्हनि में जनाब बख़्श अली मुतू साहब, हाजी शेर मोहम्मद, ॾाॾा गुलबेग, मौलवी इनायतुल्लाह ऐं हाजी दलील ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ख़ासि आहिनि। ई सभु मुतुआ बिरादरी जा माण्हू हुया। उन्हनि मंझि अॻिते हली जिन्हनि पंहिंजो नालो रोशन कयो, उन्हनि में गुलबेग मुतुओ पंहिंजी बिरादरी जो रईस थियो, जंहिंखे ॾाॾे गुलबेग जे नाले सां अॼु बि ॼातो सुञातो वञे थो। ऐं मौलवी इनायतुल्लाह सिंधी ज़बान जो कातिब ऐं शाइर ऐं कलमकार थी गुज़रियो। हाजी शेर मोहम्मद हिकु मर्द मोमिन ऐं तकवा जो साहिब थी गुज़रियो ऐं हक़ ऐं सदाकत जो राही इल्म सां मुहबत रखण वारो ऐं मौलवी अब्दुर्रहीम रहमतुल्लाह अलैह जो बांबेली हाजी दलील ख़ान मुतो साहिबु हुया। हाजी दलील ख़ान जे इल्म सां मुहबत जो अंदाज़ो इन्हीअ मां लॻाए सघिजे थो, जो पाण उन दौर में बि पंहिंजे पुटनि ऐं भाइटे मीर ख़ान ऐं ॿिए कुझु शागिर्दनि खे आला तालीम ॾियारी ऐं उन जी महिनत मंझां असांखे मौलवी मीर ख़ान नदवी साहिब जहिड़ी अज़ीम शख़्सियत मिली,
जै पे इल्मी इल्म ए कलम जो सफ़र बिना के मतलब ए लालच के सिर्फ़ इन मुल्क के मानुन के जाहिलियत की ऊंदाई में कढ़ी इल्म जी नूर से मुनवर करण लाइ कियो उन सफ़र में अल्लाह साईं खेस कामयाबी अता की ए मुल्क की कुंड कुंड में तालीम पहुँचाई। हाँ मौलवी साहब वह शख्सियत हुई जैसे बारे में रईस डाडे कुलबेग हो तो अस वण पोखो है जैसा कुछ मेवा अस खाधा ए कुछ मुस्तकबिल में खाइंदी। अज अस बनी पछम तुण कच्छ के मुल्क में जै भी मानू तालीम हासिल कर अगते मान पिरायो है उन सभी की कामयाबी जो एहसास मौलवी साहब डाई वे तो। मौलवी साहब तो जडे पंद धरती ऊंचो कंद पर वहंदड़ पानी वसंदड़ बरसात उड़ंदड़ पखी खुलंदड़ हवा ए ककरन के छाँव से जी को भी भरोसो ना हों तीं साह के सगे से को भी एतबार न कजे। उणी सफ़र मुताबिक 27 सितंबर 2020 आचर के ढी शाम वेल मौलवी मीर खान नदवी साहब पैं जिंदगी जहा आखिरी पसा पूरा कर दुनिया का हमेश के लिए असा का जुदा थी व्या। जी खबर बुधी त अरमान में पेजी व्यासी ए हाँ पोए जै मेल गुरेवारी गोठ में पौतासी तो पूरे गोठ में सन्नाट हुयो ए हर को मानू गणती में बुडल हुयो। पो जडे रात जो जनाजी की नमाज पढ़ाई हुई तने पैं जज्बे से काबू न रखंदे केतर मानुन जी उछगारू बुधियुसी। आखिरकार जै हजारे शागिर्दन के इल्म की वाट डेखारी उन्हीं के सवें शागिर्दन ने बुजुर्गन पैं कुलन जा पंद कराईंदे कराईंदे उन खामोश नगर के मिट्टी के घर के हवाले कियो जिता का को भी मोटी ना अचणो। कदम कदम पे हमें तुम्हारी याद सताती है, कदम कदम पे हमें तुम्हारी याद सताती है, तुम हमें छोड़ गए इसकी फरियाद लिखी है। अज भी जड़े वतन अजीज प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की जमहूरियत वे ढी 26 जनवरी ए आज़ादी वे ढी 15 अगस्त के आज़ाद नगर के स्कूल में प्रोग्राम थींदो है तदे मौलवी साहब याद इंदो है। अज भी इंडिया जो परचम हवा में लहरू ढींद है पर उन परचम हेठा बेही असि रहनुमाई करो वो मौलवी मीर खान ना रो जो अक्सर ये चवंद हो तो प्यारा बारो तवे विच में मुझी मिसाल एक दरख्त वांगे है जो पान उस में हो पर बेन के छाई ढींद है। सचपच तो मौलवी साहब एक इल्म जो दरख्त हो पर हाँ असि दुखन जो धनी केर असि गुर्ब की घनी केर मुझे इन कलम में वह कुत ना है जो मौलवी साहब की याद के लिखी सगा पर उन जो शागिर्द आऊं मिठा खान सुमरो सिर्फ एतरो ही चीज चवंदस त हम न होते तो याद कौन करता, आपके किरदार की तारीफ कौन करता। हम न होते तो याद कौन करता, आपके किरदार की तारीफ कौन करता। ये करिश्मा है मोहब्बत का नदवी साहब, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।